अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आतिश शहजाद आपका अपना चैनल इस्लामाबाद ड्रीम होम्स। ये बहरिया फेज वन से मैं निकल रहा हूँ। राइट साइड पे मेरे ये एस इंटरनेशनल स्कूल है और यहाँ से मैं अभी सीधा जाऊँगा पीडब्ल्यूडी की तरफ, मीडिया टाउन क्रॉस करके पीडब्ल्यूडी की तरफ, पीडब्ल्यूडी से फिर यहाँ से लेफ्ट एंटर हो जाऊँगा पुलिस फाउंडेशन से। वहाँ से जाना आज हमने कोरंग टाउन, FECHS फेडरल एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कोरंग टाउन। वहाँ पे एक घर है फॉर सेल, 14 मरले उसका साइज बता रहे हैं, नया ब्रांड न्यू हाउस है। तो मकसद आपको उसके घर का व्यू कराते हैं, आपको मैप डिज़ाइन दिखाते हैं, घर की जो कंस्ट्रक्शन हुई है और वो उसकी फिनिशिंग वगैरह वो चीज़ें हम देखते हैं चल के, और कितनी डिमांड कर रहे हैं वो भी हम चल के देखते हैं। तो अभी आप मेरे साथ रास्ते का व्यू करें, आपको रास्ते का अंदाज़ा हो जाए। बहरिया से निकल के PWD से कोरंग टाउन की तरफ जाते हुए हार्डली यहाँ से ये 2.5 से 3 किलोमीटर का फासला है। और चलिए मेरे साथ। मेरे बैक साइड पे पीछे लेफ्ट राइट पे मीडिया टाउन था, बहरिया से हम निकले हैं, मीडिया टाउन गुजरा है। और ये लेफ्ट साइड पे भी एक पुलिस फाउंडेशन की एंट्रेंस है जहाँ का ऑलरेडी हमने विजिट किया हुआ है। और यहाँ से आगे हम चलेंगे, पुलिस फाउंडेशन से अंदर चलेंगे, कोरंग टाउन एक्सटेंशन को एक रास्ता जाता है शॉर्ट PWD से, वो आपको दिखाते हैं। लेफ्ट साइड पे नया अटक का पंप बना है, 1.5 से 2 माह हुए हैं। अच्छा ज़रूरत थी इस एरिया में पेट्रोल पंप की, वरना तो कुराल चौक में एक पंप पाया जाता है या बहरिया फेस 4 में एक पंप पाया जाता है, और आसपास यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं था, तो इसके आ जाने से यहाँ पे बड़ी आसानी हुई है। लेफ्ट साइड में मेरे अगर आप देखें तो ये डॉक्टर्स टाउन है, और डॉक्टर्स टाउन के एंट्रेंस है छोटी सी और ए वन गेटेड जो सोसाइटी है, ये अच्छी सोसाइटी है। अब व्यूअर्स यहाँ से ये तंदूरी और स्टाइलो के दरमियान एक रास्ता जाता है लेफ्ट साइड पे पुलिस फाउंडेशन का 09, और यहाँ से ही आगे सीधा जाएगा वो कोरंग टाउन एक्सटेंशन को। ये रास्ते की, इस रास्ते की मैं व्यूअर्स बात कर रहा हूँ। ये पुलिस फाउंडेशन है, राइट साइड पे बाला तिक्का बट क्राई, और यहाँ से सीधा हमने चले जाना है कोरंग टाउन की तरफ। मेरी अगर आप 3 से 4 माह पुरानी वीडियोस पे चले जाएं तो आपको पुलिस फाउंडेशन का भी रिव्यू मिलेगा, स्ट्रीट व्यू मिलेगा, सिमिलरली आपको फेडरेशन का भी मिलेगा, और कोरंग टाउन का भी मैंने एक बनाया था, उसको दोबारा मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह फिर कभी। वो भी 4-5 माह पहले बनाई थी कोरंग टाउन की वीडियो। एक अच्छी सोसाइटी है कोरंग टाउन, गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी भी अच्छी है, और तीनों ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं, पानी बिजली गैस तीनों चीज़ें अवेलेबल है, सिक्योरिटी 24/7 है, और 3 उसके रास्ते हैं कोरंग टाउन के। एक लोई बेर की तरफ से है जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर जाता है कुराल चौक की तरफ, और एक रास्ता इसका ये है जहाँ से मैं आपको लेके जा रहा हूँ PWD से, और
एक रास्ता मेन रोड से है कोरन टाउन का अपना, यहाँ पे जुमा बाजार भी लगता है। लेफ्ट साइड पे मेरे सदीक पब्लिक स्कूल है और एजुकेटर स्कूल है, ये राइट साइड पे ये एक प्लाजा अंडर कंस्ट्रक्शन था, अब तो कंप्लीट हो चुका है। ये है एंट्रेंस कोरम टाउन एक्सटेंशन की। ये हम कोरम टाउन में एंटर हो चुके हैं। लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे कमर्शियल है, लेफ्ट साइड पे रेजिडेंस है और 6 मरला साइज है, 6 मरला के घर बने हुए हैं यहाँ पे। कुछ प्लॉट्स, लिमिटेड प्लॉट्स अवेलेबल हैं 6 मरले के, उनके भी रेट्स यहाँ पे खासे बढ़ चुके हैं। और ये सारे आपके सामने जो 6 मरला के घर बने हुए हैं जिस स्ट्रीट्स में गुजर रहा हूँ, कोरम टाउन एक्सटेंशन में सुई गैस अवेलेबल नहीं है। सोसाइटी एक सिलेंडर देती है मंथ में, 13 kg का। एक्यू खान स्कूल की बिल्डिंग है, एक्यू खान स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम, हॉस्टल भी है उनका काफी बड़ा। और ये तो सेपरेट करके कमर्शियल एरिया में कोरम टाउन में, ये राइट साइड पे ये एक मार्की भी है, ईडन मार्की। लेफ्ट साइड ये गली जाती है रेजिडेंट एरिया में कोरम टाउन एक्सटेंशन की तरफ, स्ट्रीट नंबर 8, ये कमर्शियल एरिया है। डियर सिस्टर्स को मैंने एक सोसाइटी को खासा अच्छा सोसाइटी जो है पाई है, अच्छी सोसाइटीज़ में से है, मैनेजमेंट अच्छी है, डेवलपमेंट के काम काफ़ी हुए हुए हैं, रोड्स कंडीशन बहुत अच्छी हैं, स्ट्रीट्स की कंडीशन अच्छी हैं और पानी बिजली गैस तीनों चीज़ें हैं अवेलेबल हैं, सिक्योरिटी भी इनकी अच्छी है कोरम टाउन की। तो ये हम मेन कोरम टाउन में भी ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। ये अब लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये लेफ्ट साइड पे आपको कोरम टाउन का फैमिली पार्क है। इस फैमिली पार्क में फैमिली के साथ एंट्रेंस है, वॉकिंग ट्रैक बने हुए हैं, झूले लगे हुए हैं, कुछ एक्सरसाइज की मशीनें भी लगी हुई हैं। और ये लेफ्ट राइट पे आप जो कैटेगरीज और स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट नंबर 52, स्ट्रीट नंबर 45, ये ऑलमोस्ट 14 मरले साइज के घर हैं। और राइट साइड पे कुछ अंदर जाएं तो ये एक कनाल कैटेगरी के भी प्लॉट्स और घर हैं, 14 मरले के। जो उनका साइज है उसका 45-44 फ्रंट है, 80 लेंथ है, 40x80 मोस्टली जो है 40x80 है, कुछ है 45-44 फ्रंट और 80-84 लेंथ के साथ ही। तो व्यूअर्स, ये अभी हम कोरम टाउन सफारी ब्लॉक की स्ट्रीट नंबर 8 में एंटर हुए हैं। यहाँ से राइट साइड पे अगर स्ट्रीट नंबर 2 में जाएंगे तो साथ ही ये एंट्रेंस में लेफ्ट साइड पे ये घर है, 6 मरला इसका साइज है, ये फॉर सेल है, 30 इसका फ्रंट है और 50 इसकी लेंथ है। स्ट्रीट व्यू मैंने आपको सारा कराया है, तो चलें इस घर को आप देख लेते हैं, इसका स्ट्रीट व्यू और घर का व्यू कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये आप स्ट्रीट व्यू कीजिए, लेफ्ट साइड में जो स्ट्रीट देखिए ओपन वाइड स्ट्रीट्स है और ये घर है जो फॉर सेल है, डबल स्टोरी मुमटी पे भी अटैच बाथ और एक रूम मुमटी पे भी बना हुआ है। ये राइट साइड देखें, खासे घर बने हुए हैं इससे में, काफ़ी ऑक्यूपाइड स्ट्रीट है। और ये आप घर का फ्रंट देखा आपने, डबल स्टोरी इसका साइज है। ये बाहर पर रैम्प देखें, रैम्प कम्प्लीट बना हुआ है, ये सारा एंड तक रैम्प बना हुआ है। गैस का मीटर अभी इंस्टॉल नहीं है क्योंकि इस एरिया में गैस नहीं है, सोसाइटी एक सिलेंडर देती है जैसा कि बताया आपको। रिवर्स एंट्रेंस, ये कार पोर्च खासा ओपन है, 2 गाड़ियाँ इजीली आ सकती हैं। ये ऊपर जाने का रास्ता और ये जो साइड आप देख लें, फ्रंट साइड 5 फुट जो छुट्टी हुई है, 6 मरले इसका साइज़ है, 30 इसका फ्रंट है और 50 इसकी लेंथ है। ड्राइंग रूम,
ड्राइंग रूम आप देखें तो ऊपर सीलिंग है, फैन, सामने एक निश बनी हुई है और सिमिलरली ये आपका आ गया टीवी लाउंज, ओपन किचन। और ये मेन एंट्रेंस से भी है, मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा, मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा अगर आप देखें, ओपन किचन है, ओपन किचन, फ्लोर टाइल्स लगी हैं और सामने ये किचन की अलमीरा। ऊपर टॉप मार्बल का और एक ये बड़ी अलमीरा, ओपन किचन। तो ये सामने एक बेड है व्यूअर्स, तो ये बेड में भी ये यहाँ पे एक निश दी हुई है, ऊपर सीलिंग का वर्क हुआ है और अलमीरा है, मैंने फुल प्लेट दी हुई है ऊपर तक, छत तक, वेंटिलेटर के लिए विंडो और अटैच बाथ। बाथ की फिक्सिंग का अभी कुछ काम जारी है, अभी बाथ की कुछ चीज़ें इनकी रहती हैं। साथ वाला बेडरूम में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी अलमारी ऊपर तक, सीलिंग वर्क, फैन, इलेक्ट्रिक वर्क हो चुका है, सेम डिज़ाइन के दोनों रूम हैं, फ्लोर में टाइल्स लगी हुई हैं, टाइल्स का काम है। इसके साथ भी ये अटैच बाथ इंडियन सीट के साथ, बाकी बेसन और वैनिटी और इन चीज़ों का काम अभी रहता है इनका, सिर्फ एंड पे है, फाइनल स्टेजेस पे। ये बैक साइड है, अगर मैं आपको ये दिखा दूँ, बैक साइड भी खोल के, बैक साइड भी 5 फुट छोटी हुई है जो लॉन्ड्री के लिए और गीजर के लिए। कॉर्न टाउन में ये 6 मरले का घर, सुई गैस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, पानी और इलेक्ट्रिक अवेलेबल है, यहाँ पे सोसाइटी एक सिलेंडर देती है। अब मैं इधर आपको यहाँ से ऊपर लिए चलता हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे, फ्रंट टेरेस, बाहर गली का व्यू और सेम जैसे नीचे वैसे ही ऊपर ड्राइंग। अगर आपको रेंट आउट करना हो ऊपर वाला फ्लोर, टीवी लाउंज, ओपन किचन, जैसे नीचे वैसे ही ऊपर किचन, सेम जैसे नीचे वैसे ही ऊपर रूम्स, अलमीरा, विंडो, अटैच बाथ। सिर्फ और सिर्फ बाथ की जो एक्सेसरीज हैं उसका काम रहा बाकी है, बाकी ये सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये हाउस फॉर सेल है, 6 मरले इसका साइज है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में 14th मरले बताया था वो अलग घर है, उसकी वीडियो में अलग बनाऊंगा। ये 6 मरले घर है, ब्रांड न्यू हाउस, कोरम टाउन इस्लामाबाद में, फॉर सेल। दरवाजों का अगर आप डिज़ाइन देखना चाहें तो सॉलिड वुड के दरवाजे हैं, विजिट आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिए, नीचे भी नंबर लिखा हुआ है, मोहसिन साहब, आप उनसे एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोरम टाउन में अगर आप कुछ प्लॉट परचेज करना चाहें, घर परचेज करना चाहें, इवन के कमर्शियल शॉप्स परचेज करना चाहें, तो आप मोहसिन साहब से दिए हुए नंबर पे एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं। ये छत, छत पे मुमती में भी एक कमरा बना हुआ है छोटा सा, ये देखें, सर्वेंट क्वार्टर अटैच बाथ के साथ। ये छत है, पूरे फ्लोर पे चिप्स हुई हुई है, वाटर प्रूफिंग हुई हुई है, स्कॉटिंग लगी हुई है और वाटर टैंक जो है ये सीमेंटेड कंक्रीट का बना हुआ है, काफ़ी बड़ा वाटर टैंक बना हुआ है ऊपर। और ये आप कोरम टाउन का व्यू करें अगर बैक साइड का,
व्यू आपका छत के बड़ा अच्छा व्यू आता है। ये कोरन टाउन सफारी ब्लॉक है, स्ट्रीट नंबर 2। ये हाउस फॉर सेल है। तो ये इस हाउस की जो डिमांड है वो मैं आपको बता देता हूँ।